NMTV को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। वाड़ीलाल केमिकल कंपनी में दो सुरक्षा रक्षक काम करते थे, जिसमें से विनोद भाई नामक सुरक्षा रक्षक की मौत हो गई। शरीर पर ज्यादा घाव नहीं थे, मगर पुलिस को शक होने के चलते बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। तब सर के पीछे गहरी चोट लगने के चलते मौत होने का कारण सामने आया। इसी की अधिक जानकारी परिमंडल 1 के पुलिस आयुक्त सुरेश मेंगड़े ने पत्रकारों को दी। पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक वाड़ीलाल केमिकल कंपनी है, जिस कंपनी में दो सिक्योरिटी गार्ड थे। एक का नाम था विनोद भाई पाटिल और दूसरे का नाम था भानु सिंह तोमर। 12 तारीख को इसी महीने में इसमें जो डेथ है, मयत है विनोद भाई पाटिल, जिसकी डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की, जिसमें ज़्यादा कोई इंजुरीज नहीं थी। वो इमीडिएट बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी, लेकिन पुलिस को शक था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, कोई तो हादसा हुआ होगा ऐसा लग रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर को इंजरी की वजह से उसका डेथ करके ओपिनियन आया था मेडिकल रिपोर्ट में। पूछताछ एवं छानबीन के बाद ये बात सामने आई कि दूसरे सुरक्षा रक्षक भानु सिंह तोमर ने विनोद भाई की हत्या की है, जिसे IPC धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ विटनेसेस है, इनसे डिटेल पूछताछ के बाद तुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम सुनील कदम और उनकी टीम ने इसमें से इनका जो दोस्त था भानु सिंह तोमर को इसमें गिरफ्तार किया है 302 IPC के कलम में। आगे उन्होंने हत्या की वजह का भी खुलासा किया। इसका मर्डर का रीजन ये था कि ये दोनों साथ में रहते थे, साथ में खाते पीते थे, साथ में सोते थे, लेकिन उस दिन दोनों ने दारू पीने के बाद में ये जो मयत है विनोद भाई पाटिल, जिसने इसी केबिन में पेशाब किया था और टॉयलेट किया था, इसका गुस्सा आने के बाद ये एक्यूज जो है वाड़ीलाल कंपनी का भानु सिंह तोमर, इन्होंने इसको हाथ पाँव से बहुत जोर से मारा था बहुत टाइम तक, जिसमें से वो बेहोश हो गया, नीचे गिर गया और उसको सर को चोट आई, इसी में उसकी डेथ हुई। इस एक्यूज को गिरफ्तार किया है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तुर्भे MIDC पुलिस कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।